उधर खबर है कि यूक्रेन को चारों खाने चित करने के लिए रूस अब वहां अपने आयरन मैन को उतारने की तैयारी में है। मतलब जैसे हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में हीरो को लोहे का सूट पहनाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए दिखाया गया था, रूस भी वैसा ही करने की प्लानिंग में है ताकि यूक्रेन की फौज का हर वार खाली चला जाए और रूस के सैनिकों का बाल भी बांका ना हो पाए। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपने सैनिक तो यूक्रेन में झोंक दिए, लेकिन उनके पास न तो जंग लड़ने की ट्रेनिंग है और न ही हथियार। कहा जा रहा है कि इसलिए पुतिन आयरन मैन स्टाइल के बैटल सूट यूक्रेन में टेस्ट करने की तैयारी में है। बताया गया कि इस तरह का सूट बनाने वाली रूस की एक कंपनी से वहां की स्पेशल एजेंसियों ने संपर्क भी किया। ये हाईटेक सूट ऐसा हथियार है जो जंग के मैदान में सैनिकों को सुपरमैन बना सकते हैं। इससे सैनिक मुश्किल रास्ते पर तेज भी दौड़ सकते हैं और ज्यादा देर तक भी दौड़ सकते हैं। वो मशीन गन से दूर से भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये सैनिकों को चोट लगने से भी बचा लेता है। रूस काफी वक्त से चोरी छिपे इस तरह के सूट पर काम कर रहा है और पिछले साल दावा किया गया था कि उसके ये सूट सीरिया में बेहद असरदार साबित हुए थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने सीरिया के लड़ाके उतार दिए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी तैनाती लुहांस्क और डोनेस्क में की गई है, जहां पर रूसी सेना ने अपना कब्जा जमा रखा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना तेजी से रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने सीरिया के इन खतरनाक लड़ाकों को मैदान में उतारने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इनकी भर्ती वैगनर ग्रुप ने की है, वही वैगनर ग्रुप जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। मतलब ये कि सीरिया के इन लड़ाकों की भर्ती भी पुतिन ने यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले अपने वैगनर ग्रुप से करवाई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग में ये लड़ाके रूस के काफी काम आ सकते हैं। हालांकि बताया गया कि अभी ने यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए नहीं उतारा गया। इधर दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दो बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कारोबारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनके नाम शरद रेड्डी और विनोय बाबू हैं। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दोनों कारोबारियों से पूछताछ भी की। इसी मामले में बीजेपी लगातार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाती रही। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और अब वहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरेंगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। इस बीच मालदीव की राजधानी माले में एक इमारत में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 भारतीय भी शामिल है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी फौरन ही वहां पहुंच गए थे, मगर लपटें इतनी विकराल हो चुकी थी कि उन पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। महज चंद मिनटों में ही आग ने पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी थी वहां प्रवासी मजदूर रहते थे। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने हादसे पर दुख जताया। इधर अंडमान और निकोबार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कुछ देर बाद अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटकों से धरती हिल गई और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अंडमान और निकोबार में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 5.7 की तीव्रता मापी गई। इससे पहले 8 नवंबर की देर रात नेपाल समेत भारत में कई जगह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, लेकिन शरद पवार सेहत ठीक न होने की वजह से यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया गया कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हालांकि नांदेड़ में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। इस बीच मंडोली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर अपना और उसकी पत्नी का अपनी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली से बाहर किसी और जेल में करने की मांग की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सुकेश ने 8 अक्टूबर और 5 नवंबर को एलजी को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी।